हेलो एवरीवन, सो फाइनली मेरी पैकिंग हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ कहाँ, आयरलैंड। तो ऑब्वियसली बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आयरलैंड के ऊपर। बहुत बड़ा ब्लॉगर तो नहीं होगी बट हाँ, डेफिनेटली बनने की कोशिश रहेगी। एंड इसके साथ साथ मेरा ऑलरेडी एक यूट्यूब चैनल है जिस पे ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास फॉलोअर्स हैं, तो वो चैनल मैं ऑलरेडी रन कर रहा हूँ। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आयरलैंड जा रहा हूँ इसलिए ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं पहले से ही करता हुआ आ रहा हूँ ये सब चीज़ें, और मुझे आदत है और मुझे पसंद है ये सब करना। बेसिकली मैं फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ तो मुझे वो चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है, बट वो उन चीज़ों के बारे में बाद में बात करेंगे। तो आज बात करते हैं कि मेरी कितनी पैकिंग है, कितने बैग्स हैं। तो मेरे पास 1, 2, 3, 3, 4 और ये पासपोर्ट का छोटा सा पैकेट एंड ये मेरा लैपटॉप पैकेट। तो ये टोटल मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 बैग्स हैं कहे जाए तो। एक ये बैग, लैपटॉप एंड 3 और बैग्स। इनके अंदर मेरे को अलाउड था 40 kg प्लस 7 kg कौन सा केबिन बैग और एक लैपटॉप बैग। तो उसी हिसाब से मैंने चीज़ें पैक करी हैं। ये बैग ऑलमोस्ट हर फ्लाइट में ही अलाउड होता है, ऐसा नहीं है कि अलाउड नहीं होता, तो आप लेके जा सकते हो। ये जो आप साइड पे टांग के लेके जाते हो, इसके अंदर आप चार्जर्स, बैटरीज और पावर बैंक्स ये सब रख सकते हो बड़े कॉम्पैक्ट से। तो इन सब में मैं ये दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या पैक करा है, क्या क्या मसाले, कपड़े, जूते, हर चीज़। बट वंस आई रीच देयर, बिकॉज इनके पैकिंग के टाइम पे मैंने बहुत बार इनको खोला, बंद करा, वेट करा, कभी ये 1 किलो ज़्यादा, कभी 3 किलो ज़्यादा, कभी 5 किलो ज़्यादा। तो इस टाइम पे ऑब्वियसली कुछ वेट्स ओवर हैं, पर मैं वो कौन से बैग्स में ओवर हैं उसकी स्ट्रैटेजी क्या रहती है वो मैं, अगर मेरी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई तो तभी बता पाऊंगा, अगर नहीं हुई तो वो भी ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि तो कुछ बैग्स में वेट ज़्यादा है बट उनकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है लेके जाने की, जो मैंने लर्न करा है बहुत सारी वीडियोस देख के और कुछ अपने लिंक से, कॉन्टैक्ट से। तो वीडियोस तो आती नहीं, नो डाउट आइलैंड के ऊपर, और ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, मेरा एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। मैंने अपने तरीके से पैकिंग करी, अपने तरीके से थोड़ा दिमाग लगा के चीज़ें रखी हैं, और मुझे लगता है जो चीज़ें मैंने रखी हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। क्योंकि तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा चल पाए वो रखनी चाहिए, इंस्टेंट जो आपके 1-1.5 महीने में ख़त्म होने वाली है। वो क्या चीज़ें हैं वो सब मैं एक बारी मैं जब आयरलैंड पहुंच जाऊंगा, 1-2 दिन में सेटल हो जाऊंगा, तो पूरा बैग खोल के दिखाने वाला हूँ एक एक चीज़ की मैंने क्या क्या कितना कितना रखा है। और इस पूरे काम में नो डाउट आपको किसी की हेल्प चाहिए होती है, अपने किसी फैमिली मेंबर की। मेरी फैमिली मेंबर मेरी बीवी है जिसने मेरी बहुत हेल्प करी है, वही इस टाइम वीडियो शूट कर रही है, और डेफिनेटली वो नहीं हो रही होती तो शायद मैं पूरा ब्लंडर होता, मेरे से नहीं हो पाता। तो आपको एक फैमिली मेंबर की हेल्प चाहिए होती है तो ज़रूर एक या दो लोगों को साथ में रखिए ताकि एडवाइजेबल हो कि आपको क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है, अभी चलते हैं। हेलो एवरीवन, सो ये हमारा पहला दिन है यूनिवर्सिटी का, डबलिन सिटी यूनिवर्सिटी, और अभी हम रास्ते में हैं। काफ़ी लेट ही हो चुके हैं बिकॉज कुछ खासियत ही है हम लोगों की कि हम लोग लेट ही निकलते हैं। मैंने क्लीन शेव कर लिया, ऑल्दो मैं कभी रहा नहीं हूँ क्लीन शेव में, बट मैंने सोचा कि स्टूडेंट लाइफ है इतना मैनेज होगा नहीं हर चीज़ ना, कि मैं बीएड भी मैनेज कर लूँ, स्टडीज और इतनी चीज़ें। सो आई थॉट लेट्स लीव दिस, सो या एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड टिल नाउ। अभी जाते हैं यूनिवर्सिटी और ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं,
मेरे मेरे मुंह से ओरिएंटेशन की जगह कॉन्वोकेशन निकल रहा है, पता लग रहा है आज आखिरी पता लगे आज मेरा आखिरी दिन ही हो। तो लेट्स सी कैसा जाता है आज का दिन। अभी हम जा रहे हैं ट्रेन की तरफ, हम ल्यूकन रह रहे अभी शिफ्ट हुए हैं एडम्स टाउन ल्यूकन जो भी है, तो जो 20 किलोमीटर दूर है, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर। तो यहाँ से ट्रेन इज़ द बेस्ट सोर्स। जो कौन सा स्टेशन है वो? इट वॉज स्टेशन लाइक ड्रम कॉन्ड्रा स्टेशन है, वहाँ उतरेंगे। वहाँ से अराउंड 3 किलोमीटर यूनिवर्सिटी है। तो मेरा तो मानना है कि पैदल ही जाना चाहिए। सर आप बताइए। मेरा तो मानना है जल्दी पहुँचना तो बस में जाए। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो देखते हैं वहाँ पे जाके कैसे जाते हैं। पर हाँ, हम डिपेंड्स ऑन टाइमिंग, अपनी वो इंडिया के ऑथेंटिसिटी साथ लेके चल रहे हैं। लेट है, आधा नहीं पौना नहीं एक घंटा पूरा। पर देखते हैं कैसे जाता है आज का दिन। सो आइडली मेरे फ्रेंड का इंट्रोडक्शन रह ही गया, जो जरूरी होना चाहिए वैसे। गजब बेइज्जती है। और तो कार्तिक इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को? हेलो गाइस, माय नेम इज कार्तिक दरगर एंड आई एम आल्सो सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड राइट नाउ वी बोथ वर एडमिटेड इनटू डीसीयू फॉर आर मास्टर्स कोर्स। थैंक यू बट यू हैव डन इन योर बैकग्राउंड। माय बैकग्राउंड इज इन बैचलर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम इग्नू यूनिवर्सिटी एंड आई डू हैव 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस इनटू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डोमेन। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे दोस्त का, और हम दोनों साथ में ही रह रहे हैं ल्यूकन में, ल्यूकन डबलिन आयरलैंड में, जो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और मैं व्लॉग ज़्यादा कभी करता नहीं था, बट आई थॉट लेट्स स्टार्ट दिस, देखते हैं कितना अच्छा हो जाता है। और मैं इतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ पब्लिक में व्लॉगिंग करना और ये सब चीज़ें करना, बट हो जाऊँगा बाई टाइम आई फील लाइक। और अभी बहुत सारी चीज़ें सीखनी हैं। तो इट्स नॉट कि मैं व्लॉगिंग करना चाह रहा हूँ और फेमस होना चाह रहा हूँ, काइंड ऑफ वो एक पार्ट हो सकता है, बट वो इतना नेसेसिटी नहीं है मेरे लिए। इट्स जस्ट कि मुझे अपनी खुद की लाइफ स्टोरी कैप्चर करनी है, लोगों के साथ शेयर करनी है, नॉलेज गेन करवाना है, कुछ उनको सीखना है, क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। तो आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बाकी चलते हैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ, बहुत धूप है आज, अच्छा दिन है, लेट्स गो देयर। सो फाइनली वी आर इन डबलिन रेल। तो आइडली यहाँ पे तीन तरह के कम्यूट करने के तरीके हैं। पहला डबलिन रेल, सेकंड आयरिश रेल और सेकंड लुइस, थर्ड इज़ बस। तो रेल इज़ लाइक फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे हम ल्यूकन में रहते हैं तो यहाँ से डबलिन ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है। सो इट टेक्स अराउंड 30 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम ल्यूकन टू ट्रम कोडा स्टेशन विच इज़ नियर बाई सिटी, और वहाँ से 3 किलोमीटर लगते हैं डी सी यूनिवर्सिटी जाने में। सो इट्स ऑल दो इट्स क्वाइट फार, बट सबसे अच्छा तरीका है यहाँ से रेल पर ट्रैवल करने का। और डबलिन के अंदर दूसरे दो तरीके और हैं, दूसरा है लुइस एंड बस। लुइस एंड बस मतलब शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए आई फील काम आती है, लॉन्ग ट्रैवल्स के लिए भी काम आती है, ऐसा नहीं है। कई रूट्स बस के बसेस के बहुत अच्छे हैं, तो लोग बस प्रेफर करते हैं। अब जैसे यहाँ से काफ़ी दूर है ल्यूकन से, और बस का रूट इतना प्रेफरेबल नहीं है, तो रेल ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ जाके जाना चाहते हैं। तो इसके लिए एक ऐप है TFI लाइव। तो जब भी आप आयरलैंड में लैंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे आइडियली फील लगता है कि TFI सबसे अच्छी ऐप है। काश इंडिया में ऐसी कोई ऐप होती जिसमें आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी करंट लोकेशन से आपको जहाँ जाना है वो डालो एंड इट प्लान्स योर जर्नी, पूरा जर्नी। सो वो सबसे अच्छा फीचर है, और करंट टाइमिंग के हिसाब से कौन सा बेस्ट बस रहेगा, ट्रेन रहेगा, वो सब बता रहता है। यू जस्ट नीड टू फॉलो इट। और सेकेंड बेस्ट रहता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक कार्ड बनता है विच इज़ TFI लाइव, सॉरी लीप कार्ड विच इज़ TFI कार्ड एज वेल, सो यू शुड बाई TFI। तो उस लीप कार्ड के थ्रू आप तीनों में ट्रैवल कर सकते हो, मतलब आपको दो तीन कार्ड कैरी नहीं करनी, एक ही कार्ड में यू कैन ट्रैवल बाई लुइस बस एंड आयरिश रेल, राइट। तो जैसे मैं अभी आयरिश रेल में, तो मुझे बस स्टैम्प करना पड़ा एंड आई एम ट्रैवलिंग बाई आयरिश रेल बाई यूजिंग दैट लीप कार्ड। तो सिंगल कार्ड चलता है तीनों चीज़ों के लिए, तो ये मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी। और सबसे सेकेंड बेस्ट चीज़ इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है, स्टूडेंट डिस्काउंट में आपका 50% फेयर कम हो जाता है। और सेकेंड बेस्ट चीज़ इज़ लाइक वो सबके लिए, वो स्टूडेंट लीप कार्ड और बाकी भी है, विद इन 90 मिनट्स अगर आप ट्रैवल कर रहे हो
आपका जो चार्ज है क्रेडिट कार्ड का वो ही चार्ज कटेगा बाकी चीज़ों का। तो मतलब फॉर 90 मिनट्स यू आर जस्ट पेइंग सिंगल चार्ज। अब वो बाकी अगर यहाँ से ट्रेन से मैं बस में बैठता हूँ तो वो चार्ज नहीं लगेगा। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये मुझे सबसे बेस्ट लगा। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट है ये। और अभी हमें लग जाएंगे ऑलमोस्ट 30 मिनट्स पहुँचने में फ्रॉम कोडा स्टेशन पे। वहाँ से हम बस लेंगे, बस लेके हम जाएंगे DCU, Dublin City University। और देखते हैं कैसा जाता है आज का दिन। ओरिएंटेशन डे है, ऑलरेडी 1 से 1.5 घंटा लेट हुआ, विच शुड नॉट बी ठीक है। बाकी देखते हैं कैसा दिन जाता है आज। फाइनली वी हैव रीच्ड यूनिवर्सिटी। कार्ड्स हो गया, कन्फर्मेशन लेटर सॉर्टेड, सो गोइंग फॉर द लंच नाउ। कार्तिक लंच? यस, वी आर गोइंग। कितना खाना है? क्या देते पहले वो देखना है। ब्रेड वगैरह मिलेगा यहाँ पे? ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो फाइनली मेरा ओरिएंटेशन तो ख़त्म हो गया है और थोड़े बहुत ग्लिम्स लेने की कोशिश करी थी मैंने। अच्छा था ओरिएंटेशन। यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी है। अगर आप मेरे बैकग्राउंड में देखें कि ये बहुत बड़ा कैंपस है, इज़ जस्ट आई वुड से 1/10 भी नहीं है ये। और मैं कुछ और रेगुलर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा यूनिवर्सिटी में, और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस तो डेफिनेटली बनाऊँगा, क्योंकि वो आपको डेस्क पे बैठ के यू नो रिकॉर्ड करना होता है, इट्स क्वाइट ईजी। बट आउटडोर में आई वॉन्टेड इन्जॉय माई ओन यूनिवर्सिटी लाइफ, तो शायद उतनी ना बना पाऊँ, पर ज़रूर बनाऊँगा। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एज़ वेल, तो ताकि रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आती रहें। और फाइनेंस फोकस रहेंगी, अकाउंटिंग फोकस रहेंगी, और बाकी स्ट्रीम के लोगों के साथ भी मैं वीडियोस डेफिनेटली बनाता ही रहूँगा। और तो चलते हैं, करते हैं आज का डे एंड, नॉट एंड। अभी मैं जैकेट्स लेने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इंडिया से जैकेट्स नहीं लाए, क्योंकि जैकेट्स का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इट्स नॉट गुड कि आप अपना ज़्यादातर वेट जैकेट्स की वजह से ख़राब कर रहे हो। तो मैंने अपना जो भी मेरा 47 kg था उसमें एक भी जैकेट नहीं रखा था, तो अभी जैकेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मौसम धीरे धीरे बदल रहा है। आप देख सकते हैं बादल, मतलब यहाँ पे मौसम का पता नहीं लगता, अभी धूप थी और एकदम से अब बादल हो गए हैं। तो जैकेट लेने जा रहे हैं, फिर देखते हैं आगे। मैं शायद लाइब्रेरी आ जाऊँ पढ़ने के लिए, क्योंकि आई हैव एग्ज़ाम कमिंग नवंबर, बताऊँगा अगर हो गया तो कौन सा, बट अभी हमें जाना है। तो लेट्स गो आउट, जैकेट लेने और भी चीज़ें करने। सी यू, बाय।